वेलकम टू शिखर्स वेजिटेरियन किचन। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए आज मैं मार्केट से लिया हुआ केक मिक्स यूज़ कर रही हूँ। वो इजीली किसी भी जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो हम केक मिक्स का पैकेट जो है वो एक बॉल में पलट लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 छोटी कटोरी मेल्ट किया हुआ देसी घी। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। हमें इसमें लगभग 1 छोटा कप के करीब दूध ऐड करना है। तो दूध को धीरे धीरे मिलाते हुए हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। केक मिक्स में सब इंग्रेडिएंट्स पहले से ही ऐड होते हैं, इसलिए हमें इसमें कोई भी एडिशनल कोको पाउडर या चीनी या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बस इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से दूध मिलाते हुए हमें इसे स्टर करना है और इसमें बस 1/4 कटोरी मेल्ट किया हुआ घी ऐड करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं। एग से जो है ये केक ज़्यादा फ्लफी बनेगा, बट हम इसे एगलेस बनाएंगे। तो एगलेस के लिए हमें बस इसमें घी और दूध ही ऐड करना है और कुछ नहीं। बस इसे अच्छी तरह से हमें लम्स फ्री करना है बैटर को। हमें बैटर की बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी रखनी है, तो इसे बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। अभी ये बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ है, इसलिए मैं अब इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि ये बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ बन जाए। और इसे बिल्कुल ही लो स्पीड पे ही हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चलाना है। अब हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ लग रहा है और इसमें रिबन कंसिस्टेंसी भी आ गई है, तो अब हम इसे बेकिंग ट्रे में पलट लेंगे। बेकिंग ट्रे में कोई भी ग्रीस किया हुआ साफ कागज या फिर आप बेकिंग पेपर यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सारा बैटर जो है वो हम ऐड कर देंगे। फिर बेकिंग ट्रे को अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि इसमें से कोई एयर बबल रह गया हो तो वो निकल जाए। मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। तो अब हम प्री हीट ओवन में केक बैटर को रखेंगे और इसे 150 डिग्री सेल्सियस तक 45 मिनट्स तक अच्छी तरह से बेक होने देंगे। हम केक में इस तरह से एक टूथपिक या फिर कोई भी साफ चाकू इंसर्ट करके देखेंगे। अगर वो बिल्कुल साफ बाहर आता है तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। उसके बाद केक को 5 या 10 मिनट तक हम इस तरह से रूम टेम्परेचर पर रहने देंगे। उसके बाद इसे किनारों से निकाल लेंगे और एक वायरिंग रैक पे इसे पलट देंगे। केक को रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दें। केक को बेक करते हुए जो भी पेपर टॉवल या बेकिंग पेपर हमने यूज किया था उसे अच्छी तरह से निकाल देंगे और इसे वायरिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसे हम जिस मोल्ड से हमने केक बेक किया था उससे ढक देंगे इसे। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इसकी टॉपिंग के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। क्रीम बनाने के लिए कोई भी बड़ा बर्तन लें और उसमें 500 ml के करीब थिकन क्रीम ऐड कर लें। हम क्रीम को इलेक्ट्रिक बीटर से तब तक बीट करेंगे जब तक ये बिल्कुल फ्लफी ना हो जाए। हमें इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड बिल्कुल लो रखनी है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे इसे नहीं चलाना है। अब मैंने इसमें 1/2 कप पाउडर्ड शुगर ऐड की है। इसे बिल्कुल लो स्पीड पे बीट करते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब वेनिला एसेंस। आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है थोड़ी गाढ़ी होने लग गई है और इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी डबल हो चुकी है पहले से।
तो अब हम इसे लो स्पीड पे ही बीट करते रहेंगे। क्रीम को इस तरह से चेक करेंगे, अगर ये अभी रनिंग कंसिस्टेंसी में है तो मतलब इसे और बीट करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो एक स्पून की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। आप एक स्पून में थोड़ी सी क्रीम लें और उसे उल्टा कर दें। अगर आपकी क्रीम जो है वो नीचे गिर जाती है तो इसका मतलब इसे और बीट करने की ज़रूरत है। अगर आपकी क्रीम स्पून पे इस तरह से टिकी रहेगी उल्टा करने के बाद भी तो इसका मतलब वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम केक की आइसिंग करेंगे। केक भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम केक को इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब एक केक बोर्ड लेंगे और उस पर बिल्कुल मिडल में थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे इस तरह से, जिससे कि केक जो है वो होल्ड हो जाए और वो इधर उधर ना हिले। और इस पर केक की एक लेयर रख देंगे। केक की लेयर पे हम इस तरह से स्पून की हेल्प से क्रीम की एक मोटी सी परत लगा लेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इस पे अब हम केक की जो हमने दूसरी परत तैयार की थी वो लगा देंगे और उसे भी अच्छी तरह से क्रीम से ढक देंगे। केक को अच्छी तरह से क्रीम से कोट करके हम इसे थोड़ा स्मूथ करेंगे। हमें इसे बिल्कुल स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा स्मूथ करने के बाद हम इसे आइसिंग कॉम से इस तरह से चारों साइड से स्क्रैप कर लेंगे। फिर इस तरह से एक पाइपिंग बैग में क्रीम को ऐड करके हम इसे कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से। इस पर आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसे इस तरह से चॉकलेट चिप से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पे चेरी भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे एज अ केक भी यूज़ कर सकते हैं या इसे इस तरह से काट कर आप इसकी पेस्ट्रीज भी तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें क्रीम जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हुई है और ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।